नमस्कार, आप न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं और आपको बता दें कि दो रोज पहले सिवान में एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद से बीजेपी नेताओं का लगातार इस पर बयान आ रहा है और लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो न्याय दिलाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हत्या हुआ है ये पहला हत्या नहीं है, इस तरह के कई सारे हत्याएँ पहले भी हो चुकी है। हमारी स्क्रीन पर आप दो चेहरा देख रहे हैं, ये श्रीकांत भारती का चेहरा है। श्रीकांत भारती जो कि बीजेपी नेता थे और कभी ओम प्रकाश यादव जो सिवान के सांसद हुआ करते थे उनके काफ़ी करीबी और उनके प्रवक्ता भी हुआ करते थे। लेकिन सवाल ये है कि न्याय मिलेगा या राजनीति होगी, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज अमित जी मौजूद हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चैनल में हमको बुलाया, और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने नया ऑफिस खोला, और सिवान के ही नहीं देश के मुद्दा के लिए आप आवाज़ उठाते रहेंगे, ये हम लोग पूरे सिवान वासियों का भरोसा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल ये ऑफिस के लिए। अच्छा अमित जी, जो ये हम बात आज करने बैठे हैं, चूँकि ये मामला जो है, ये जो शिवा तिवारी है पीछे जो देख रहे हैं, ये आप ही के यहाँ के, आप ही के लगभग आपके घर से थोड़ी सी दूरी पे है इनका घर जी। ऐसे में इनकी हत्या हो जाती है, दुकान बंद करके जा रहे थे और हत्या कर दी जाती है, क्या लग रहा है? जिस तरह से पूर्व में भी हत्याएं हुई है, चूंकि आज श्रीकांत भारती का भी जिक्र कर रहे हैं, उनकी भी जब हत्या हुई तो बहुत सारा प्रदर्शन किया गया, सड़क जाम किया गया, बहुत सारे लोगों ने आश्वासन दिया, कई सारे मंत्री आए बीजेपी के, लेकिन क्या सही मायने में उनको भी न्याय, उनके परिवार को न्याय मिल पाया क्या? देखिए, सबसे पहले तो शिवा तिवारी जी के लिए बहुत ही हम लोग मरमाहत हैं, दुखी हैं, क्योंकि हमसे कुछ दूरी नहीं, हमारा वार्ड जो है बगल में सटे हुए वार्ड है जहां वो अपना दुकान चलाया करते थे और बहुत ही नेक दिल इंसान थे। और इस घटना से हम सभी बहुत मरमाहत हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी को झेल सकें। लेकिन आपने जो कहा कि राजनीतिक, तो मौत पे राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। और बीजेपी की जो आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक तरफ वो समझिए फीता काटने का जश्न का माहौल है और एक तरफ चल रहा है कि दुखद हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, ये चलता आया है, चाहे वो श्रीकांत भारती हो चाहे अन्य हो। श्रीकांत भारती का ही हम ले लेते हैं, जैसे आपने बताया कि श्रीकांत भारती के मामले को हम लोग लेते हैं। श्रीकांत भारती जी की जब हत्या हुई, चूँकि श्रीकांत भारती जी भाजपा के एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे, वो भाजपा के लिए अपने जान तक निछावर कर दिए, लेकिन आज देखिए उनका परिवार कहाँ है, किस तरह से उनका राजनीतिक उनको बढ़ावा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। चूँकि कुछ लोग ही बीजेपी के अपने सत्ता में काबिज रहने के लिए, अपना राजनीतिक चमकाने के लिए केवल ही दिखावा करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि सिवान की जनता, सिवान के लोग, भाकपा माले के लोग उस परिवार के साथ ईमानदारी से रहेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे, उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। बीजेपी को अक्सर अब देखा जाता है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ता को जब मौत होती है तो वो लोग हमेशा वहाँ पे उस दिन, तो जैसे कि आप आज ही बता रहे सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि आप एक तरफ उस दुख की घड़ी में जाते हैं और फिर शाम को आप जाते हैं उस जश्न के माहौल में फीता काटते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पार्टी करते हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपको कार्यकर्ताओं से मोह नहीं है, प्रेम नहीं है, आप केवल दिखावा कर रहे हैं, वोट की राजनीति। तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं कहनी और कथनी में अंतर आ जाता है, बीजेपी के कहनी और कथनी में अंतर आ जाता है। आरोप तो लगातार लगाए जाते हैं कि यहाँ पे जंगल राज बढ़ा है, इस तरह की बात बीजेपी करती है, लेकिन अपने ही जो उनके ये हैं उनको न्याय नहीं दिला पाती है। देखिए, एक बात आपको बताते हैं, ये जंगल राज की जब आप बात कर रहे हैं तो 2004 से नीतीश जी थे और साथ में बीजेपी थी, और कुछ सालों से आरजेडी के साथ आए हैं, तो वो लोग जब साथ थे तो उन्होंने क्या किया, यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या किया? आए दिन उस समय भी हत्या होती है, इस समय भी हत्या हो रही है, ये मामला प्रशासनिक मामला है, प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें चूक दिख रहा है, ये प्रशासनिक मामला है, आप रहे चाहे कोई रहे, ऐसा नहीं कि आप बीजेपी के जदयू के साथ थे तो आप मंगल राज कर रहे थे और आज जो है तो वो आज जंगल राज है, यही तो दोहरी चरित्र है बीजेपी। देखिए, ये दोहरी चरित्र जनता को समझना चाहिए, हमको इस दुख की घड़ी में शिवाजी तिवारी के परिवार के साथ
मजबूती के साथ खड़े रहने का है, उनको न्याय दिलाने का है। जरूरत पड़ेगा तो हमारी पार्टी भाकपा माले उनके लिए आंदोलन भी करेगी, क्योंकि हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है कि जिसके साथ भी अन्याय शोषण दबाया जाता है उसके लिए हमारी पार्टी जाती है। हम लोग किसी पार्टी विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए राजनीतिक नहीं करते हैं। जिसके साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, उसके साथ हम लोग खड़े रहते हैं। और इस दुख की घड़ी में हम लोग शिवाजी तिवारी के साथ हम लोग खड़े हैं, उनके पूरे परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और बीजेपी के जो आप बात बोल रहे हैं, दोहरी चरित्र है, दोहरी चाल, आप कुछ दिन के बाद देखिए श्रीकांत भारती की जैसे इनको भी भूल जाया जाएगा। मैं एक बात कहता हूं कि श्रीकांत भारती ने बीजेपी के लिए अपना जान दिया, लेकिन आज उनके पुत्र कहां है, पत्नी कहां है, सिवन की जनता जानती है। वो एक विलुप्त हो गए हैं, उनको कहीं ना कहीं जिस तरह से वो कार्य, हालांकि जब श्रीकांत भारती की हत्या हुई थी तब कई सारे वादे भी किए गए थे उनके परिवार से। चर्चा यह भी चल रहा था कि उनको टिकट तक दिया जाएगा, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जाएगा विधानसभा में, लेकिन क्या ये सिर्फ एक चुनावी सिगुफा? हालांकि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं अभी, वो ये जरूर सोच रहे होंगे कि आज इस पे चर्चा करने के लिए हमने अमित जी को क्यों जोड़ा है, क्योंकि अमित जी तो बीजेपी से है नहीं, और बीजेपी से होते तो अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब दे पाते। लेकिन यकीन मानिए, इस पे हम श्रीकांत भारती के जो लड़के हैं सत्यम भारती, उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे और उनको बुलाएंगे और इस मुद्दे पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उनसे हमारी बात हुई थी, अभी वो सिवान में है नहीं, इस कारण से अमित जी से हमारी बात हो रही है और इस पर चर्चा हो रही है। क्योंकि अमित जी जो शिवा तिवारी हैं उन्हीं के वार्ड के हैं और राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और सबसे बड़ा चीज़ है कि सामाजिक कार्य में काफ़ी रुचि और बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि अमित जी को आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है और इस पे हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए, देखिए रहा बात की राजनीतिक में बहुत तरह का उनको बोला गया था कि हम टिकट देंगे, ये देंगे, लेकिन आप उनकी राजनीतिक जो देखेंगे, खासकर बीजेपी के जो राजनीतिक है, वहाँ कुछ लोग, चंद लोग ही हैं अपने राजनीतिक चमकाने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। ये बात सही कहा कि उनके लड़के जो सत्यम भारती हैं उनसे भी आप पूछिएगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको भी इस बात का दर्द होगा कि जिस पार्टी के लिए, जिस संगठन के लिए हमको हमारे पिताजी ने जान दिया और उन्होंने तरह तरह के वादे किए, उसको उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया, वो इसका जवाब दे देंगे। और रहा बात, एक बात आपको बता दें कि आपने कहा सिवान की जनता को, तो मैं भी बात बता दूं, मेरे भी पिताजी ने अपने पार्टी के लिए शहादत दिया, लेकिन पार्टी आज 26 साल बीत जाने के बाद भी हमारे पिता को आज याद करती है, पिता के शहादत दिवस को मनाती है, उनकी मूर्ति लगाई। और यही नहीं, हमारे पार्टी के लिए जितने भी लोग शहादत दिए हैं उनके सारे परिवार को पर्व हो, त्यौहार हो, वहाँ जाके हम लोग जो भी बन जाता है, चूँकि हमारी गरीबों की पार्टी है, हम जितना बन सकता है, छठ हो, होली हो, सहयोग करते हैं, इसमें सहयोग करते हैं, उनसे जाके मिलते हैं, हाल चाल लेते हैं, जितनी हमारी क्षमता उतना हमारी पार्टी करती है। और हमारी पार्टी जो भाकपा माले है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कभी नहीं इग्नोर करती है। तो देखिए मामला है कि उनका विचारधारा अलग है, हमारा विचारधारा अलग है, लेकिन मौत पर राजनीतिक नहीं करना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं श्रीकांत भारती का मामला हो चाहे शिवा तिवारी जी का मामला हो, शिवा तिवारी जी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे, उनको हर हालत में न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए जहाँ हमारी पार्टी, हम लोग के संगठन की जरूरत पड़ेगा, हम लोग वहाँ खड़े रहेंगे और प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करते हैं कि जो भी इनके हत्या में शामिल है और जो भी कारण है, इसको तमाम उद्भेदन करना चाहिए, इनके परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। और एक मामला और आ रहा है, चूँकि हत्या के 2 दिन हो गए और आज अचानक से जो सड़क पर लोग उतर गए उस मोहल्ले के, और उन्होंने सिवान एसपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कहा यह जा रहा है कि एक अखबार में खबर छपी है जिसमें सिवान एसपी ने यह कहा है कि वो शराब के कारोबारी थे। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि सिवान एसपी से हमारी कोई बात नहीं हुई है इस मामले पर, हमने बात करने का प्रयास किया है लेकिन बात नहीं हो पाई है। लेकिन अखबार में जब इस तरह खबर छपा है जिसके बाद लोग बवाल मचा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर इस तरह की स्टेटमेंट सिवान के अगर एसपी महोदय के द्वारा दिया गया है तो काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि वो जो व्यक्ति थे वो कहीं से भी असामाजिक तत्व, चाहे दारू कारोबारी, इस तरह के व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। क्योंकि मैं उनके बगल के ही वार्ड से, मेरा वार्ड सटा हुआ है, और व्यक्तिगत तौर पर भी उनको मैं जानता था। वो बहुत ही मिलनसार और नेक दिल इंसान थे,
ये कहना कहीं से भी उचित तो नहीं है कि वो दारू कारोबारी थे। अगर ऐसा स्टेटमेंट एसपी साहब के द्वारा दिया गया है तो इसका मैं घोर निंदा करता हूं और इस बात से हम लोग मरमाहत हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसकी सत्य, जैसे कि आप बोल रहे सत्यता नहीं करते, इसकी सत्यता करना चाहिए। अगर न्यूज वाले ने बेवजह छापा है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी दोषी है उनके मर जाने के बाद अगर उनके कैरेक्टर पर कोई दाग लगाता है तो ये काफी निंदनीय और अशोभनीय बात है, क्योंकि कहीं से भी ये साबित नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बड़ी बात ही, कहीं से भी शराब कारोबारी नहीं थे और बहुत ही मिलनसार और बहुत ही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। तो इसमें कहीं से भी ये अगर एसपी महोदय के द्वारा कहा गया तभी निंदनीय है, और अखबार द्वारा अगर अपने मन से किया गया तो अखबार की अखबार वाले पे कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, तो अमित जी हैं, और आज जो ताज़ा मामला सामने आया है जिसमें अखबार में खबर छपने के बाद से शिवा तिवारी का जो परिवार है और जो मोहल्ले के लोग हैं वो सड़कों पर उतर कर सड़क पर प्रदर्शन किए हैं, और उस प्रदर्शन के बाद से ही आपको बता रहे हैं कि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं सिवान एसपी से जुड़ने के लिए और उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अमित जी ने भी इस पे साफ तौर पे अपनी बात रखी है और कहा है कि अगर सिवान एसपी ने इस तरह की बात की है तो निंदनीय है, अगर उन्होंने इस तरह की बात नहीं की है तो फिर अखबार में कैसे छपा, अखबार के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की बातें लगातार सुबह से चल रही है। हालांकि हम जो न्याय की बात कर रहे थे कि बीजेपी नेताओं की हत्या पर जो राजनीति होती है, न्याय नहीं मिल पाता है, इसको लेकर हम लोग श्रीकांत भारती के लड़के सत्यम भारती से भी बहुत जल्द जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आपको वो भी इंटरव्यू हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए न्यूज़ लेटर के साथ।